सो गाइज यार वेलकम बैक। क्या बोलती पब्लिक, आ गए एक और गेम प्ले के साथ। और आज का गेम प्ले डुओ वर्सेस स्क्वाड, मैं खेल रहा हूँ कनिश के साथ में और हम उतरे हैं रोजॉक। आज के गेम प्ले में गाइज सबसे बेस्ट चीज़ ये है, अभी आपने देख लिया यहाँ पे एक डुओ उतरा है, मतलब रोजॉक में हमारे साथ में खाली एक डुओ उतरा था, मतलब डुओ उतरा है, ये बेस्ट चीज़ नहीं है। बेस्ट चीज़ ये है कि आज हम लोग चैलेंज खेल रहे हैं, ओनली ड्रॉप हंटिंग चैलेंज, मतलब सिर्फ ड्रॉप लूटने वाले और ड्रॉप के साथ में जो बंदे मिलेंगे हम उनको मारेंगे, मतलब उसके अलावा भी बंदे मिलते हैं लेकिन मैक्सिमम हम खाली ड्रॉप लूटते हैं। सो बस आप तैयार रह जाइए एंजॉय करने के लिए ये गेम। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ उतरा हूँ, मुझे खाली पिस्टल मिली है और कनिश को भी कोई खास गन नहीं मिलती। जैसे मैं यहाँ आता हूँ मुझे ये UMP मिलती है और उतने में बंदा। अब जैसे ही भाई इस बंदे को नॉक किया, पता था कि यहाँ पे सिर्फ दो बंदे उतरे, जान हथेली पे लेके आगे बढ़ना तो ज़रूरी है। तो जैसे ही आगे बढ़ा, अब इसका दूसरा बंदा जो है इसको बचाने के लिए आता है और इसके फुटस्टेप मुझे पीछे से आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ आगे बढ़ा भाई, जंप एंड शूट सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपने, आपको पता है बंदा कहाँ है तो सीधा हेड पे गोली लगेगी। उतने में ही एक बंदा ये आ गया मेरे पास। यार इस बंदे ने मजबूत डैमेज दिया, मैंने भी दिया उसको बट उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खुद को बूस्ट करता हूँ और अब मुझे पता है कि बंदा है कहाँ पे एग्जैक्टली। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था और बंदा नीचे आया, आपने भी देख लिया रहेगा कि वो बंदा नीचे आया। और जैसे ही वो नीचे आता है ये बंदा ख़त्म, शिव OP। ये आया था सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए, भाई मानना पड़ेगा, हक के खेल सकते हो। सो इस बंदे को ख़त्म करते जैसे हम आगे बढ़ते भाई, मतलब इसकी लूट ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे रोजॉक में कुछ था नहीं खास, मतलब मुझे एक बॉट मिलता। सो इसको ख़त्म करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से। अब भाई हम जब रोजॉक में थे तभी मेरी नज़र पड़ी थी कि भाई किसी ने जॉर्ज पूल में फ्लेयर चलाया था, तो इतनी देर से मेरी नज़र सिर्फ उस पर थी। तो वहाँ पर जाने से पहले ये एक ड्रॉप हमें मिला था तो इस ड्रॉप को लूटा। यहाँ से मेरी सबसे फेवरेट गन ग्रोजा मिली मुझे। अब जैसे ही ग्रोजा मिली भाई चलो जाते हैं। अब हमारी गाड़ी का फ्यूल तो हो गया था ख़त्म, तो जैसे हम गाड़ी चेंज कर रहे थे उतने में मुझे यहाँ पे दो बंदे आपस में लड़ते हुए नज़र आते, मतलब मुझे तो बॉट ही लगे लेकिन कनिश ने बोला कि नहीं उसमें एक बंदा है। तो अभी जिसको मैंने ख़त्म किया वो तो बॉट ही था, बट अभी जिस बंदे को मैं मार रहा हूँ कनिश ने बोला शायद ये बंदा है। तो अब भाई इसको ख़त्म करने के बाद भाई हम आ जाते हैं जॉर्ज पूल फाइनली। अभी आपने देख ही लिया होगा 3 warehouse की तरफ एक फ्लेयर ड्रॉप गिरा पड़ा है। अब इस फ्लेयर ड्रॉप को बंदे लूट के चले गए हैं है या फिर नहीं है पता नहीं। निकलने से पहले मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करते हैं, पहले जॉर्ज पूल सिटी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई बंदे हैं या नहीं है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पर पेटियाँ बहुत सारी दिखती है, मतलब बंदे तो जाहिर सी बात है कि है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते अभी आप देखना यहाँ पे भी आपको पेटियाँ गिरी पड़ी दिखेंगी। और ये जो बंदे हमें मिलते हैं, मतलब इनके साथ जो होता है उनको समझ में भी नहीं आता कि उनके साथ अचानक और इतना फास्ट क्या हो गया। अब जैसे हम आगे बढ़ते बंदे आपको सामने दिख जाएंगे। भाई इस बंदे को मैंने मारा और दूसरे बंदे को कनिश ने गाड़ी से उड़ा दिया, मतलब उनको तो समझ में ही नहीं आया होगा कि उनके साथ क्या हो गया, बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। तो इनको ख़त्म करने के बाद इनकी लूट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब भाई जो है हम आते हैं इस ड्रॉप पे। अब यहाँ पे कनिश सोच रहा था कि उसको ओम मिल जाए बेचारे को, बट उसकी किस्मत फूटी, उसको ओम नहीं मिलती है। तो हम यहाँ से फिर से निकलते हैं और जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे अब आप देखना क्या होता है। हम आते हैं इस छोटे से हिल पर, उतने में मुझे एक गाड़ी दिखती है जो कि उस ड्रॉप की तरफ जा रहे थे। और इन बेचारों के साथ तो क्या ही स्कैम होता है यार, मतलब उधर तो जो गालियां दे रहे होंगे ना उन लोग। ये एक बंदा नॉक, ये दूसरा भी नॉक। अब मुझे लगा कि भाई इसके बाकी बंदे भी वही गाड़ी में आसपास ही उतरे रहेंगे, तो मैं कनिष को बोलता हूँ कि भाई तू गाड़ी निकल, चल निकलते डायरेक्टली वहाँ पे। तो हम सीधा घुस जाते हैं वहाँ पे, मतलब अभी दो बंदे नॉकड है, एक या दो बंदे और रहेंगे तो उनको तो संभाल ही सकते हैं, ऐसा सोच के हम घुस गए। अब जैसे हम यहाँ आते इस बंदे को फिनिश किया मैंने। अब भाई मैं स्मोक में गोलियाँ चलाऊँगा तो प्लीज़ कोई हैकर नहीं बोलना यार,
मतलब इतना तो पता है। यहाँ पे मैंने इस बंदे को फिनिश किया, अभी इसके बाकी के बंदे कहाँ थे पता नहीं, तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम यहाँ से निकल गए। अब उनको ख़त्म करने के बाद हम आते हैं ये ड्रॉप पे। यहाँ पे भी कनिज बेचारा अपनी नसीब ट्राई कर रहा था ओम ढूंढने के लिए, बट उसकी नसीब इतनी भी अच्छी नहीं कि उसको ओम मिल जाए। उसने गिली सूट उठाया, अब इतना सब कुछ हम लूट चुके थे कि कुछ और लूटने की ज़रूरत नहीं थी, तो भाई ने गिली सूट उठाया और हम निकले यहाँ से फिर से बंदों को। और ड्रॉप ढूंढते ढूंढते हम आते वापस से जॉर्ज पुल के इस स्क्वाड हाउस पे। अब यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, तो जैसे ही यहाँ पे बंदा नज़र आता है, अब कनिष ने एक बंदा कनिष ने नॉक कर दिया था। बस मैं ट्राई कर रहा था कि एक और बंदा नॉक हो तो हम लोग सीधा रश करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे दूसरा बंदा नॉक होता है, मैं कनिष को बोलता हूँ कि भाई अब गाड़ी निकाल, दो बंदे नॉक दे, अब ज़्यादा से ज़्यादा दो बंदे बचे रहेंगे, चल घुसते। हमने सीधा गाड़ी निकाली और वहाँ पे रश। अब जैसे ही रश करते हमारे पहुँचने तक बंदा एक था जो नॉक था, वो रिवाइव हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे गाड़ी लगाई, मैं घुसता हूँ सीधा अंदर। अब पता चल रहा था कि बंदे हैं नीचे और ये दिख गए। वो बेचारा रिवाइव दे रहा था, इतने में इसका काम भारी। अब इनको ख़त्म किया यहाँ से। अब यहाँ पे जो है मेरे किल हो गए थे 12, और जोन में हमारे अलावा बचे थे सिर्फ 3 लोग, और हम आए थे इस ड्रॉप पे। हमें लूटना तो नहीं था क्योंकि हमारे पास पेट भर के बहुत सारी लूट थी यार, तो हमने डिसाइड किया कि भाई होल्ड करते हैं क्योंकि जोन ऑलरेडी छोटा हो गया और बंदे जो भी हैं वो यहीं आसपास ही रहेंगे, कैम्प करके बैठे रहेंगे और कुछ नहीं। तो भाई हमने सीधा गाड़ी लगाई यहाँ। अब इसके बाद बस आप लोग गाइस वीडियो को एक बार चाहिए तो पॉज करो और मुझे बताओ कि जो आखिरी के 3 किल हैं, ये 3 किल मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते। मतलब मेरे 12 किल तो है, क्या लगता है आपको मेरे 15 किल होंगे नहीं होंगे, या फिर हम चिकन डिनर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अब इतनी देर में मुझे ऐसा लगता है कि उस पत्थर की जगह पे बंदा है कोई, तो बट शायद वहाँ नहीं होता है। और जहाँ पे मैप में मुझे फायर का निशान दिखता है मैं उस तरफ जाता हूँ, और कनिष भी मुझे बताता है कि बंदा यहाँ पे। तो जैसे ही वहाँ आगे बढ़े मुझे बंदा दिखता है। अब इस बंदे को मैंने अच्छा खासा लीड किया था और वो चला जाता है कवर में। तो अब या तो हम रश करें या फिर उसके आने का इंतज़ार करें। तो सबसे पहले हमने मैप में देखा, अब वो बंदा जोन के बाहर था और उसको आना था जोन के अंदर ही। अब भाई जैसे ही जोन चालू होता है बंदा आता है जोन में। वो जोन का ऑलरेडी इतना डैमेज खा चुका था वो कि भाई मेरी एक ही गोली उसके लिए काफ़ी थी। बंदा हो जाता है सीधा नॉक और जोन के डैमेज से वो हो जाता है फिनिश। अब इसका जो लास्ट बंदा था, मतलब इसका जो टीममेट था, अब उसकी मौत देखना यार कैसे होती। मतलब मुझे पता तो चल गया था कि अभी वो बंदा है इस पत्थर के आसपास ही कहीं, और मैं धीरे 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 उसके पास आगे बढ़ रहा हूँ। और ये भाई कौन से नशे में है, कौन से नशे फूंक रहा था मुझे पता नहीं। मैं एकदम उसके करीब आ जाता हूँ, अभी आप ही देखो, मतलब इतना करीब आ गया मैं उसके, लेकिन वो कनिष पे फायर कर रहा है। इसको पता ही नहीं चला कि मैं उसके पास आ गया। अब ये बंदा ख़त्म, जोन में बचा है सिर्फ एक आखिरी बंदा। अब इस आखिरी बंदे का किल किसको जाता है, बस आप देखते रहिए पंगेबाज के चैनल पे। सो गाइस जैसे हम यहाँ आते, अब यहाँ आते ही बंदा फायर करता है। अब देखना मैं उसको स्पॉट कैसा करता हूँ। तो जब वो फायर करता है ना, तो उस लाइट की वजह से स्पॉट कर लेता हूँ मैं उसको। सो ये मिलता है हमें एक प्यारा सा चिकन डिनर। आई होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। पसंद आया तो गाइज एक लाइक ज़रूर ठोक दो, कंजूसी मत करो यार। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को ऑल पे रखना ताकि सारे गेम्स के नोटिफिकेशंस आपको आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।